नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया फाइनेंशियल 2021 का, काफी बेहतरीन रिजल्ट है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डिटेल में जानेंगे कंपनी के शेयर के प्राइस के बारे में, उसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, लेवल्स और टारगेट के बारे में। साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट को भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस क्वार्टर में। दोस्तों ये है पीडीएफ कॉपी टीसीएस के क्वार्टर रिजल्ट का, जो कि आप bseindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पीडीएफ कॉपी डाउनलोड किया है। यह टीसीएस के क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट December 31, यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल 2021। तो दिसंबर क्वार्टर जो है इसका ये कॉलम है, और ये हमारा है सितंबर क्वार्टर, और ये दिसंबर क्वार्टर है फाइनेंशियल 20 का, मतलब जो September 31, 2019 था वो यहाँ का क्वार्टर है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि टोटल इनकम कितना है, रेवेन्यू यहाँ पर आप देखते हैं 42,000 है दिसंबर क्वार्टर, और पिछले साल जो था 39 करोड़ था। वहीं पर बात करें तो जो टोटल जो हमारा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,000 करोड़ का है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर में यह था मात्र 10,000 करोड़ का। तो काफ़ी जंप हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1,100 करोड़ का प्रॉफिट में जंप है बिफोर टैक्स। वहीं नीचे आएंगे तो आपको नीचे जो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो टैक्स है टैक्स को डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को जब माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आता है वो है 8,727 करोड़ का, जो कि पिछले साल के इसी दिसंबर क्वार्टर में था 8,143 करोड़, और जबकि पिछले क्वार्टर में जो पिछला सितंबर क्वार्टर में था उसमें मात्र था 7,504 करोड़। तो काफ़ी जंप देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और काफ़ी जंप है हमारा मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड में पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से। तो दिसंबर क्वार्टर से मतलब काफ़ी जंप हुआ है, साथ ही साथ पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी जंप हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है कंपनी का। और साथ ही साथ बात करें पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, यहाँ पर आप देखते हैं फेस वैल्यू 1 का है। तो यहाँ पर सारा चीज़ रिजर्व जो है एक शेयर पर कितना है वो देख सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, नीचे आपको अर्निंग पर शेयर कंपनी का देखने मिलेगा। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं अर्निंग पर शेयर कंपनी का, जो अर्निंग पर शेयर है इस बार वो कितना है, और साथ ही साथ आप डिविडेंड कंपनी ने कितना पे किया है इस बार शेयर होल्डर को, सारा चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्निंग पर शेयर जो बेसिक और डायल्यूटेड है रुपीज़ में है, तो इस क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर है वो है 23 रुपीज़ 19 पैसा, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी मतलब ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में था 19 रुपीज़ 93 पैसा, और जो दिसंबर क्वार्टर है पिछले फाइनेंशियल ईयर का मतलब फाइनेंशियल 2020 का वो था 21 रुपीज़ 63 पैसा। तो देखते हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है, और पिछले साल का जो दिसंबर क्वार्टर है उसके बेसिस पे भी काफ़ी जंप हुआ है अर्निंग पर शेयर में। उसके बाद बात करें डिविडेंड का, तो डिविडेंड जो कंपनी मतलब पे की है पर इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर पे आपको 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 1,000 शेयर है तो आपको 6,000 का डिविडेंड मिलेगा। तो जो डिविडेंड पर शेयर है वो 6 रुपीज़ का है। तो ये थर्ड इंट्रीम डिविडेंड है इस मतलब फाइनेंशियल 2021 का थर्ड इंट्रीम डिविडेंड, तो काफ़ी बेहतरीन है। जिनके पास भी ये शेयर है तो उनको 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, तो आपको शेयर प्राइस में भी काफ़ी जंप देखने मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी शेयर बायबैक भी लाया था जिसका प्राइस था 3,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं अभी जो कंपनी का करेंट प्राइस है वो है 3,100, तो बायबैक के प्राइस से भी कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो चलिए चार्ट पर डिस्कस करेंगे क्या लेवल्स और टारगेट होने चाहिए, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं skinner.in पर, यहाँ पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को ब्रीफ में डिस्कस कर सकते हैं। TCS कंपनी जो एक IT सर्विस कंपनी है, और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की दूसरी सबसे मतलब मार्केट कैप में बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद, और रिलायंस और TCS में काफ़ी मतलब ऊपर नीचे होता है। कभी TCS जो है नंबर 1 कंपनी बनती है मार्केट कैप में, कभी रिलायंस, अभी रिलायंस है और TCS दूसरे नंबर की कंपनी है। अगर बात करें इसके करेंट प्राइस का तो 3,121 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। आज का प्राइस इसमें इंक्लूडेड नहीं, आज का मूवमेंटम वो हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए 11,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, P37 का है, जबकि इंडस्ट्री का P31 का है। तो थोड़ा सा महंगे P पर स्टॉक मिल रहा है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें, रिजर्व है
है 94,000 करोड़ का कंपनी के पास, जबकि कंपनी के ऊपर जो डेट है 7,800 करोड़ का मात्र है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है एक साल का वो 30,000 करोड़ का है। तो आप देखते हैं कंपनी जो है डेट अपना कभी भी पे कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट है वो अपने डेट का लगभग 4 times से भी ज़्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 72% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इतना बड़ा शेयर मतलब इतनी बड़ी कंपनी उसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हैं, मैक्सिमम जो लिमिट है 75 उसके आसपास है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 47 का है, जो कि आपको इंडस्ट्री में काफ़ी कम शेयर का देखने मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37% का है, तो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है, और डिविडेंड यील्ड भी आपको देखने मिलता है 1% का। तो इस कंपनी में आपको बोनस शेयर भी रेगुलर इंटरवल पे मिलता है, डिविडेंड भी आपको काफ़ी शानदार देती है कंपनी, साथ ही साथ ग्रोथ भी पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का शेयर प्राइस जो है अपने मार्च के लो से डबल हो चुका है। तो एक ब्लू चिप कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करके सो सकते हैं, तो ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल जितना चाहें उतने के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसी बेहतरीन कंपनियां जब भी गिरावट मिले तो मौका आपको नहीं छोड़ना है, जो TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, SCL टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी बेहतरीन कंपनियां हैं IT सेक्टर की। IT सेक्टर में कई सारी और बेहतरीन कंपनियां हैं। अगर लार्ज कैप की बात करें तो सबसे जो बड़ी कंपनी है वो TCS है, इन्फोसिस है, SCL टेक्नोलॉजी है, विप्रो है। तो दोस्तों अब हम इसके प्राइस और लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे इसके चार्ट पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट हमने ओपन कर लिया, ये हमारा 1 day का चार्ट है, मतलब हमने जो टाइम फ्रेम चुना है 1 day कैंडल यहाँ पर सेलेक्ट किया। 1 day कैंडल पे यहाँ पर आप देखते हैं अभी जो स्टॉक है काफी ज्यादा अप ट्रेंड में है, मतलब पूरे स्टॉक मार्केट में जो है एक बूम आया हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट भी IT सेक्टर की कंपनियों का काफी जंप हो रहा है। ऐसे में आपको इस स्टॉक में आगे भी तेजी देखने मिल सकती है। अभी देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस काफी ज्यादा मतलब तेजी देखने मिला है, जब रिजल्ट आने से 2 दिन पहले थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने मिला था, लेकिन रिजल्ट जैसे पॉजिटिव आया तो काफी तेजी इस स्टॉक में देखने मिला। कल आगे दिन भी आपको इसमें तेजी देखने मिल सकता है, या हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो तो थोड़ा सा बहुत आपको मतलब साइडवेज भी दिख सकता है। तो लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि यह स्टॉक अभी अप ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा मार्केट जो बुल रैली में है, तो जब बुल रैली में है तो ऐसे फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने आपको मिलेंगे आगे। अब बात करते हैं हम इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 5 years 10 years के, तो वीकली चार्ट फॉलो करना है उनको या मंथली चार्ट आप फॉलो कीजिए। वीकली और मंथली चार्ट हम 5 years वीकली और मंथली चार्ट हम फॉलो करते हैं, मतलब 5 years और 10 years के टाइम होराइजन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जब मंथली चार्ट लगाएगा कभी भी ये स्टॉक अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ के जो पैंडेमिक था उसमें काफ़ी गिरावट आया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अपना जो पिछला लो है तो इसमें ब्रेक किया था, लेकिन बहुत ही जल्द ये रिकवर कर लिया, क्योंकि पैंडेमिक था तो पैंडेमिक के कारण पूरे मार्केट में ही काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुआ था। उसके बाद आप कभी भी देखिए ये अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया, जो सपोर्ट जोन था सपोर्ट को कभी भी ये ब्रेक नहीं किया। दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर ये स्टॉक्स काफ़ी सॉलिड है और पिछले 10 सालों से ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप टेक्निकल चार्ट मंथली चार्ट लगाते हैं तो 10 ईयर्स के होराइजन में कभी भी ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, सिर्फ एक यहाँ पर पैंडमिक जो था उसमें ब्रेक किया था, और वो उसमें जो ब्रेक किया था उतनी ही तेज़ी से ये रिकवरी भी किया। तो ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से नहीं चूकना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी किस प्राइस पे हम इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अभी प्राइस काफ़ी हाई हो चुका है, मार्केट काफ़ी ऊपर है, तो दोस्तों इसमें आप SIP स्टार्ट करें। SIP सबसे बेहतरीन वे होता है अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, आपको हर लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो आपको अभी कुछ स्टॉक बाय करना है, फिर अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे बाय करेंगे, नीचे आता है तो नीचे के लेवल पे बाय करेंगे। तो इन्वेस्ट करने में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, जब आपका टाइम फ्रेम 5 साल का हो 10 साल का हो तो 100 रुपया आप ऊपर बाय करते हैं या नीचे, जो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू कर दें। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बाय करते रहेंगे तो एवरेज रूप से आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।